हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ तैयारी। सुबह सुबह हूँ मैं किचन में और मुझे बनाना है नाश्ता। स्कूल के लिए लंच टिफ़िन बॉक्स रेडी करना है। तो आज खाने में हरमन को सैंडविच लेके जाने हैं, तो मैंने उसके लिए कुछ वेजेस कट किए हैं। कैप्सिकम, ऑनियन एंड टमाटोज मेरे पास अभी यही थे, तो मैं इसके लिए अभी सैंडविच बना दूंगी फटाफट से। तो इन सारी वेजेस को अच्छी तरह मैंने धो लिया था। धोने के बाद इन्हें कट करके, और जो हमारा ये मलाई है इसको अच्छे से फेंटेंगे। फेंटी हुई मलाई के अंदर हम अपना सारा ऑनियन, कैप्सिकम और पोटैटोस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर दिया था, पूरा का पूरा एक चम्मच मैंने इसके अंदर चाट। तो मेरे तीनों सैंडविच बनके तैयार हैं और मैं ले रही हूँ तवा। तवे को मैंने गैस ऑन कर दिया है और तवा मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं अब तवे पे लगा रही हूँ बटर। मैंने काफ़ी सारा बटर एक साथ लगा दिया था क्योंकि मुझे जल्दबाजी थी और जल्दी जल्दी मुझे तीनों सैंडविच स्कूल के लिए भेजने थे, तो मैंने एक बार में ही तीनों को तैयार कर दिया। इससे काम जल्दी भी हो जाता है और बच्चों को भी तैयार कर पाते हैं। अरमन स्कूल जा चुका है और मैं कर रही हूँ घर की सफाई। तो मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह को नीट एंड क्लीन किया, उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया था। दोपहर में हरमन आ गया और मैंने हरमन के लिए आज बनाई थी चाउमीन, तो उसे और मुझे दोनों को बहुत पसंद है, तो हम दोनों ने चाउमीन इंजॉय की थी। और हमें चाउमीन इतनी पसंद है कि क्या कहने, बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। तो आज मैंने चाउमीन ही बनाई थी घर में, तो हम दोनों चाउमीन का इंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी धूप खिली है और ठंड भी बहुत हो रही है, तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो मैंने ये हीट पैड अपने रजाई में रखा और थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे। अच्छी नींद आती है और बिल्कुल पूरी थकावट उतर जाती है। तो अब मैं शाम को छत पे जाऊंगी और कपड़े उतार के लेकर आऊंगी। देखिए कितनी अच्छी धूप है, घर के अंदर तक फुल धूप आ रही है। कपड़े पता नहीं सूखे होंगे या नहीं, देखने पड़ेंगे। कुछ गीले भी हो सकते हैं क्योंकि मौसम तो ठीक था लेकिन मैंने थोड़ा लेट कपड़े डाले थे। 3 बजे करीब मैंने ये कपड़े धूप में डाले थे और अभी बज रहे हैं 4:30। तो जो कपड़े गीले रह गए थोड़े बहुत, तो मैं उसको अंदर डाल। छत पे से कपड़े लेकर आ गई हूँ। तो अभी 5 बजे हरमन को ट्यूशन जाना है। मैंने अपने लिए चाय बनाई है और हरमन के लिए दूध बना दिया है, तो वो ट्यूशन जाएगा, इतने में मैं और काम कर लूँगी। तो अभी हम करते हैं इंजॉय चाय समोसा को। आजकल के बच्चे अपने दूध को छोड़ के ये चाय इन्होंने उठाई है, लेकिन मैं इसको चाय पीने नहीं दूँगी। ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और मुझे कपड़े करने हैं इनके प्रेस। इनके कपड़े प्रेस करने होते हैं जब पता नहीं, ऐसा लगता है यही काम कितना बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है प्रेस करना, सच में। प्रेस करो, फिर उन्हें रखो, तय लगाओ। फाइनली कपड़े प्रेस हो चुके हैं। आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पालक आलू, तो उसके लिए तैयारी मैंने पहले से कर ली है। अभी मैं किचन में आई हूँ तो कुछ खा रही थी, तो इतने में हरमन आया। उसने कहा थोड़ा सा समझा दो, मैं उसको समझा कर ही अंदर से बाहर आई थी किचन में, तो वो दोबारा आके मुझसे पूछने लगा तो मुझे बताना पड़ा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक।
जो कि नए तरीके से बनाऊंगी। वैसे आपने आलू पालक ड्राई ही बना रही हूँ, आलू पालक जो दूसरे तरीके से बनाऊंगी वैसे नहीं बनाऊंगी। तो ये मैंने उसके लिए बारीक आलू, छोटे आलू लिए हैं, और ये पालक है, दो टमाटर, कुछ हरी मिर्ची और लहसुन के साथ मैं इसको बनाऊंगी। बिल्कुल लगेगा साग खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम आलू पालक खा रहे हैं। तो न्यू तरीके से मैं बनाना सिखाती हूँ, आप देखिए। तो पालक को मैं काट चुकी हूँ, पालक को मैंने बारीक अच्छी तरह काट दिया है, और अब इसे 4-5 बार पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं ये पालक धो लेती हूँ। और साथ में बाकी के किचन के काम भी होते रहेंगे। तो मैंने पालक को कुकर में डाल लिया है, ऊपर से कटे हुए आलू भी डाल लिए हैं। अब इसके अंदर मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, या थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड भी करेंगे कि कहीं पालक लगे ना। वैसे तो पालक पानी छोड़ता है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। अब कुकर के अंदर हम 2 सीटी आने देंगे, तब तक इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। तो कुकर में 2 सीटियाँ मेरी आने वाली हैं, और इतनी देर में मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, और कुकर में सीटी पहली आ चुकी है, दूसरी भी आ गई है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतने में मैं टमाटर और हरी मिर्च, गैस पे लिया मैंने एक पैन, पैन में डाला सरसों का तेल, सरसों के तेल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम जीरा हींग डालेंगे, और लहसुन को भी भून लेंगे। उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर के बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया भी ऐड कर देंगे। और जब ये गल जाएं, इसके बाद इसको एक मैशर से मैश कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम सब्ज़ी ऐड करेंगे अपने आलू पालक की। तो आलू पालक की सब्ज़ी हमें थोड़ा सा मैश करनी पड़ेगी, तो मैंने मैशर की हेल्प से सब्ज़ी को मैश कर लिया है। कुकर में मैंने ये सारा तड़का डाल दिया है, और इसको दोबारा से 1-2 बार घुमा के पका लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको आलू मैश कर लेंगे। तड़का इसके अंदर लग चुका है, हींग जीरे का तड़का बहुत टेस्टी लगता है इस सब्ज़ी में। और जो बच्चे आलू पालक खाने से नखरे करते हैं, वो प्यार से आराम से इस सब्ज़ी को खा लेते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें आलू पालक की इस तरह से बनी हुई सब्ज़ी। आज का मेरा ये व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।